आज हमने बनाई है चिकन मलाई खड़ी, और आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा आया है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए। हमें चाहिए चिकन 400 ग्राम्स, सॉल्ट 1 टीस्पून, मिल्क पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, गार्लिक क्लोव्स 3 टू 4 चिलीज, और कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। योगर्ट चाहिए हमें 250 ग्राम, और क्रीम चाहिए हमें 4 टू 5 टेबलस्पून। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमारे पास चिकन है, इसके अंदर योगर्ट ऐड कर रहे हैं, और इसके बाद क्रीम ऐड कर रहे हैं इसमें 3 टू 5 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा मिल्क पाउडर, सॉल्ट, ज़ीरा, धनिया, और इसको हम कर लेंगे मिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसमें हम गार्लिक और जो चिली थी उसका पेस्ट बना के वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये जो मेरा चिली पेस्ट था वो मैं डालूंगी। चिलीज आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। तो यहाँ पे जो है वो चिली और गार्लिक का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ, उसके अंदर मैरिनेट करेंगे इसको। और अब हम लोगों ने लिया एक फ्राइंग पैन जिसके अंदर हमने 1/2 कप ऑयल डाला है, और अब ये जो हमारी चिकन जो मैरिनेट हुई हुई है आधे घंटे के लिए वो इसके अंदर पॉप इन कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी ये काफ़ी वाइटिश है, तो हमें इसको इतना फ्राई करना है कि ये ब्राउन कलर में हो जाए और चिकन जो है वो गल जाए। तो यहाँ पर फर्स्टली मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको कवर कर दूँगी कि चिकन थोड़ी पक जाए। अब आप देख सकते हैं एक हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ गया इसके अंदर। अब इसको हम मज़ीद फ्राई करेंगे, और आप देखें इसको फिर से जो है इसको वापस से ढक के रख देंगे। अब आप देख सकते हैं मज़ीद मज़ेदार सा लुक आ रहा है इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर लेमन जूस डाल दूँगी, और एट दिस स्टेज जो है वो हम देख रहे हैं कि चिकन जो है वो गल गई है, और अब जो है इसको हम फिर से फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब जो है वो हम 2 टीस्पून जो है वो मैदा लेंगे, और उसके अंदर 2 टू 3 टेबलस्पून वाटर ऐड कर देंगे। ये पेस्ट बना रहे हैं बिल्कुल फाइनल स्टेज पे जाएगा जब आप चिकन के अंदर पानी ऐड कर देंगे, और फिर ये मैदे का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने चिकन में पानी ऐड किया हुआ है, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना, और अब जो है ये मैदा वाला पेस्ट जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा पतला है, लेकिन जैसे ही हम इसको कुक करते जाएंगे तो ये गाढ़ा गाढ़ा होता जाएगा। अच्छा जी, अब एक स्टेज आएगी कि बिल्कुल बिल्कुल जो है वो ड्राई आउट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा रोस्टेड काइंड ऑफ लुक आ रहा है चिकन में, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा इसके अंदर। अगेन हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब जो है वो हमने क्या किया है कि इसको थिक जो है वो कर लिया। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ, और इसमें जाएगा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा मिल्क जाएगा ताकि इसका थोड़ा सा वाइटिश सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जनाब हमारी चिकन सॉस जो है वो रेडी हो गई है, इसको ढक देंगे और अब आप देखेंगे इसका फाइनल लुक। सो हियर इट इज़।
जब थिक हो गई तो मैंने इसको निकाल लिया है। और आप चाहे तो इसके ऊपर ग्रीन चिली जो है वो डाल सकते हैं। हेयर इज द लुक एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू कमेंट बिलो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।